तो ये माता के बहुत सारे चमत्कार हैं, जब मैं गिनाऊँ तो पूरे नहीं होंगे पूरे दिन भी, है ना, 24 घंटे तक भी अगर मैं बोलूँगी तो भी माता के चमत्कार पूरे नहीं हो सकते, जितने चाहे पूछो लेकिन चमत्कार नहीं करें। माँ मेरे साथ रहती है हमेशा, ठीक है, वो मेरे हर पल साथ रहती है, मुझे अपनी खास माँ की भी इतनी याद नहीं आती जितना मुझे ये माता मेरा मदद करती है, हर चीज़ में मदद करती है, कोई भी दुख आए परेशानी आए माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, और काम ऐसा हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। तो आज माता इतना, जब मैं माता को इतना प्यार करती हूँ तो माता तो सोचो कितना दुगना प्यार करेगी। कहते हैं कि नालायक बच्चा होता है, लेकिन माँ कभी नालायक नहीं होती, माँ तो अच्छे को भी प्यार करेगी, नालायक बच्चे को भी प्यार करेगी, माँ तो माँ ही होती है। तो संतोषी माता भी ऐसी है कि हम माँ को पता हम कितना प्यार करते हैं, और माँ को तो सबको सब पता है, पांच बच्चे होते हैं माँ के, माँ को सब पता होता है मेरे पांच बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना मुझसे प्यार करते हैं। तो इसी तरह से माँ संतोषी सबको देखती है, सब भक्तों को देखती है कौन कितनी लायक है ना, तो इसी तरह से माँ संतोषी मुझे भी देखा कि मेरी वाला कितना मुझसे प्यार करती है। तो आज माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि मेरी पहचान जन जन गांव गांव शहर शहर में हो रही है, जबकि हम मैं कोई जानता भी नहीं था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ हमें इतनी पहचान करा देगी। फिर हम शुक्रवार को माँ का मंदिर बना, वहाँ हर शुक्रवार को कीर्तन करने लगे, उसके बाद में लोग वहाँ मंदिर माने लगे, नहीं हमें तो कुछ भी नहीं आता था कुछ भी। आज माता की कृपा है जो हमने 3-4 डायरियाँ भर दी है भजनों की, माँ संतोषी के अनेकों हजारों भजन लिख चुके हैं, तक वो हमारे को पता भी नहीं है माता की कैसा प्यार है ना। तो ये संतोषी माता का बहुत बड़ा चमत्कार है, और माँ को मैं जब भी याद करती हूँ माँ मुझे सपने में पहले ही चेतावनी दे जाती है, अगर मेरे साथ कोई उल्टा भी काम होने लगना होएगा ना तो भी माँ मुझे पहले ही सपने में दिखा देती है। आप सबको मेरी तरफ से जय संतोषी माँ। नाम मेरा दिव्या दुग्गल है, मेहरौली जैसे सिटी से बिलोंग करती हूँ। माँ के नाम की ज्योत मेरे दिल में पहले से उजागर थी, बट कभी उसे आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला। 2012 में मेरी चाची जी हैं राजबाला जी, इन्होंने माँ की मूर्ति की स्थापना कराई, कलश यात्रा रखवाई, उसमें मैं गई, माँ का कीर्तन देखा, माँ की यात्रा देखी, उसे एंजॉय किया, मन में माँ के नाम की एक ज्योत जली। अब माँ की कृपा इतनी है कि मैं एवरी फ्राइडे जाती हूँ माँ के कीर्तन में, वाल्मीकि मंदिर में माँ का कीर्तन होता है हर शुक्रवार को, जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, माँ का नाम लेती हूँ, और चाहती हूँ कि माँ की यही दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। माँ से और भी मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं जिनको मैं चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ माँ उसे पूरा करेगी, माँ का आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा, माँ की दया दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी, और यही चाहती हूँ कि माँ मेरे साथ हमेशा रहे, माँ की उंगली थाम कर चलूँ आगे। जय संतोषी माँ। माँ तो सपने में या कात्यायनी जैसे के रूप में या किसी भी ध्यान के रूप में, बेटी के रूप में माँ आ सकती है, तो हमें सिर्फ उसको पहचानने की देर है, हमें पहचानना है। जय माता की। मैं सविता एंड मीरा, मेरा नाम मुझे माँ की कृपा से मिला, मेरी संगत ने मुझे मीरा नाम दिया। मैं माँ के चमत्कार बताना चाहती हूँ। माँ संतोषी ने 3rd व्रत में ही चमत्कार दिखाया कि मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी, मेन कारण हम सबसे बड़ा ये हमारे ज़िंदगी में था कि उसकी शादी हो जाए, उम्र भी निकलने लग रही थी, तो 3rd ही व्रत में चमत्कार हुआ कि रिश्ता आ गया। रिश्ता आने के बाद हम लड़की को रो के आए, सगाई, रिश्ता, शादी, 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा लगा कि हमारी साथ माँ ही सब कुछ कर रही है, हमें पता नहीं चला कब ये हो गया। और आज उसके पास 2 बेटे हैं, बहुत वो खुश है अपनी लाइफ में, अच्छी नौकरी भी है फिलहाल उसके पास, बहुत बड़ा चमत्कार माँ ने ये दिखाया। चमत्कार तो मेरे घर वाले की नौकरी बहुत कच्ची थी, उनके पक्के होने की मांगी हुई थी, मेरे कोई संतान नहीं थी, 5 साल से शादी के बाद तक मेरे संतान, फिर डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया था, मैंने माँ के ऊपर छोड़ दिया था जो भी कुछ था, वो चमत्कार था पहला मेरा। फिर माँ को मैं 25-30 साल तक भूल गई, फिर एकदम माँ ने मेरे को याद दिलाई। माँ मुझे हर शुक्रवार को जगाती थी, मैं सोचती थी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा था, ऐसे कुछ होता था
मेरे को एकदम याद से आती थी, चक्कर से आते, मैं सोचती थी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचती थी। फिर दोबारा से मैं बाला के उससे मैं संतोषी माँ के मंदिर में आने लगी, उसने मुझे बुलाया, मुझे कहीं वो मिली थी एक साईं राम की पालकी में मेरे को मिली थी वो, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। फिर मैं उनके साथ से फिर मंदिर में मेरे पैर पड़ने लगे, मैं आई कीर्तन में भी आने लगी, फिर मेरे व्रत उठाए। मैं विश्वास फिर भी नहीं करती थी, डरती थी मैं प्रसाद लेते हुए भी, तो अब मेरी झिझक खुल गई है। अब मैं माँ को बहुत मानती हूँ, अब माँ को नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। जय माता की। मैं रानी, मेरे साथ मतलब मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से हाय हेलो भी नहीं करती थी। मेरे को बाला दीदी ने मंदिर आना जाना सिखाया, सबसे मेरा परिचय करवाया, माँ से मिलवाया मुझे, तब से मैं मंदिर जाती हूँ, संतोषी माँ के कीर्तन करते हर शुक्रवार व्रत भी रखती हूँ। और माँ की इतनी कृपा है मुझ पे कि माँ की कृपा से मेरे घर में बहुत क्लेश भी रहता था, वो क्लेश भी ख़त्म हो गया। मेरा बेटा कहीं गायब हो गया था एक 15-20 दिन के लिए, माँ के मैंने बोला माँ को मैंने, तो मेरा बेटा 10वें दिन ही मतलब शुक्रवार के दिन ही एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ गया था। काफ़ी दिन तक मेरा बेटा गायब है। मेरी ताई बहुत पहले से पूजा करती है संतोषी माँ की, मैं छोटा सा देखता था, तो मेरे को एक बार पकड़ लिया और मैं माता को मानता था बहुत, तो मैं रूम में काम करता था, मैं संतोषी माता को याद किया मैंने। क्या हुआ था? मैं एनजीओ वालों ने मेरे को पकड़ लिया था, तो मैंने संतोषी माता का नाम लिया और मैंने भरोसा किया कि माँ जरूर छुड़वाएगी, माँ मेरे को जरूर छुड़वाएगी। और मेरे को फिर शुक्रवार को ही माँ ने ऐसा चमत्कार किया, शुक्रवार को ही मैं छूट के आ गया। मेरा बेटा शुक्रवार के दिन ही आया है, ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है। और फिर उसके बाद मेरे पति जाने लगे मंदिर संतोषी के, और उनके कान में दर्द होता था, उन्होंने कहा माता मैं 16 शुक्रवार आपके मंदिर आऊँगा तो मेरा कान ठीक कर दो। फिर वो वहाँ पे जाने लगे, उनका कान ठीक हो गया। फिर मेरा भी मन करा कि वो जाते हैं तो मैं भी मंदिर माँ के व्रत उठा लूँ। फिर मैं माँ के व्रत करने लगी। मेरे साथ बहुत झगड़ा रहता था घर में बहुत ही, और ना ही मेरा घर बन पाता था। और फिर मैं माँ के व्रत रखे, उद्यापन किया माँ का। फिर मेरा मन मंदिर में जाने का करता था, तो यहाँ पे बाल्मीकि मंदिर है संतोषी माता का, तो यहाँ पे बाला दीदी मिली। फिर मैं यहाँ पे कीर्तन में पहले चुपके चुपके आती थी धीरे, तो फिर अब मैं आने लगी। अब सब घर में कोई मना नहीं करता और मेरा घर भी बन गया और अब बहुत ठीक है पहले से। ये माता का बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं घर में गुमसुम चुपचाप लेटी रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, ना कोई मेरे पास आता जाता था। लेकिन फिर माँ ने मुझे मंदिर में बाला दीदी से और सारे उनसे मिलने लगी, आने जाने लगी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर आने में, और सब बहुत अच्छे हैं, और माँ की बहुत बहुत कृपा कि माँ अपना साथ कभी ना छोड़ने दे ना उनका। जय माता संतोषी की। जय माता, सबको जय माता की। जय माता। मैं संतोषी माता को बहुत पहले फिल्म देखी थी और उनके चमत्कार जब से ही जानती हूँ। मेरा नाम सुशीला है, और उसके बाद मैंने तो छोड़ सा दिया था, लेकिन एक हस्ती हमें ऐसी मिल गई जिन्होंने हमें दोबारा संतोषी मासा से मिलवाया, और उनकी लगन ऐसी लगाई कि आज हमने इतना किताबें भर डाली हैं भजन लिख लिख के, और हम कभी मंदिर में भी नहीं जाना जानते थे, लेकिन उस चौखट पे हमें पहली बार संतोषी माता के दर्शन के लिए ही हम गए। मंदिर में हमने पहला कदम संतोषी माता के चरणों में ही लगाया था जाके, उससे पहले हम कभी मंदिर में ही नहीं जाते थे, और वैसे घर में पूजा करते थे, लेकिन संतोषी माता ने इतनी लगन लगा दी कि आज हमारे को अपना उन्होंने गुरु बनवा दिया हमारे से, और आज हमने अपनों ने खुद ये कहा कि अपने मन मर्जी से जिसे भी आपने गुरु बनाना है गुरु बनाओ, तभी तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पूजा सफल होगी। तो उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हमें गुरु बनाना पड़ा और शिव जी भगवान को हमने अपना गुरु बनाया। आज जितना भी चमत्कार हो रहा है, हर काम मेरा या तो सोमवार को होता है या शुक्रवार को होता है, ये मैं बिल्कुल नोट करती हूँ। पहले कोई भी काम शुभ होता है, मैं पहले दिन देखती हूँ कौन सा दिन है। एक दिन ऐसे सपने में बहुत सारी गाय नज़र आई, और उसमें मुझे मेरा बेटा घिरा हुआ नज़र आया, तो मैंने उसको बोला कि भाई जा तू गाय को रोटी दिया कर, क्योंकि तेरे को मैंने सपने में देखा कि बहुत सारी गाय तुझे घेर के खड़ी हुई है। तो उसने 5 दिन ही गाय को रोटी दी, उसकी ऐसी लगन लगी, अब वो अगर मैं भूल भी जाती रोटी देनी तो
तो वो खुद ही कहता मम्मी रोटी दोनों गाय के लिए दे के आऊँगा। तो ये बहुत एक मेरे लिए चमत्कार है, कभी वो बच्चा ऐसी जानता भी नहीं था कि भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन उसने ये बीड़ा उठा लिया कि वो आज तक उसे कम से कम 3-4 महीने हो गए रोटी देते हुए। और उसकी आज ICICI बैंक में भी नौकरी लगी हुई है, लेकिन अभी कच्ची है, और माँ की कृपा होगी तो वो ज़रूर उसमें तरक्की पाएगा। और जितना भी प्रोग्राम है, जितना भी तरक्की पाई है, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन ही मेरे सारे काम शुरू हुए हैं। एक हम अभी फ्लैट देख रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी थोड़ी सी रकम उसको हमने अदा की है बिल्डर को, तो वो भी शुक्रवार के दिन ही अदा की गई है। उस दिन भी मैंने माता का बहुत शुक्रिया किया और बहुत एहसान मानती हूँ माता रानी, आपने मुझे अपनी लगन में लगाया, और ऐसे ही लगाए रखना और घर में सुख शांति बनी रहे, यही मैं माता से दुआ करती हूँ। आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पे बनी रहे और हम सब भक्तों पर बनी रहे, और जय माता की। आप सबको मेरी तरफ से जय संतोषी माँ। मैं वैशाली मेहरौली में रहती हूँ। आपसे संतोषी माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नाम अनेक है, भगवान एक है, तो बस आप सब एक ही भगवान को, भगवान पे ट्रस्ट करो। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि संतोषी माँ आप ही करो, बहुत सारे भगवान हैं, कोई भी भगवान पे कर लो, पर एक ही भगवान पे। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जय संतोषी माँ। जय माता दी, जय संतोषी माँ, जय माता दी।